दोस्तों मैं हूं विश्वनाथ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल EIO हिंदी। दोस्तों आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध हीरे वन एंड ओनली कोहिनूर के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा सोर्सेस का ये मानना है कि कोहिनूर को आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा के एक कोयला के खदान से निकाला गया था। उस समय उस हीरे का वजन था लगभग 186 कैरेट या फिर 37.21 ग्राम। उस समय गोलकुंडा काकाटिया साम्राज्य के अंतर्गत हुआ करता था, इसलिए वो हीरा उस समय था काकाटिया सम्राट के सम्राटों के पास। पर जब 1323 साल में मोहम्मद बिन तुगलक ने जब उस साम्राज्य के अंतिम सम्राट द्वितीय प्रताप युद्ध को मार दिया था, तब वो हीरा चला गया मोहम्मद बिन तुगलक के पास। और 1526 साल में पहले पानीपत का युद्ध जीतने के बाद वो हीरा गया बाबर के हाथ में। उसके बाद बाबर के वंशज शाहजहां ने उसे लगाया विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन में। उसके बाद जब 1739 में नादिर शाह ने जब भारत आक्रमण किया था, तब उसने मयूर सिंहासन को अपने साथ लेकर गया था। नादिर शाह के मृत्यु के बाद 1747 में कोहिनूर गया अफगानिस्तान के सुल्तान मोहम्मद शाह अब्दाली के पास। उसके बाद 1883 में जब पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह ने अहमद शाह अब्दाली को परास्त करके बंदी बनाया, तो हीरा चला गया महाराजा रंजीत सिंह के हाथ में। रंजीत सिंह के मृत्यु के पश्चात 1891 में जब रंजीत सिंह के पुत्र शाह दिलीप सिंह ब्रिटिश से युद्ध में हार गया था, तब उसने ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया को वो हीरे उपहार के तौर पर दिया था। साल 1852 में क्वीन विक्टोरिया के पति प्रिंस एल्बर्ट ने कोहिनूर हीरे को काट कर 105 कैरेट या फिर 21.6 ग्राम किया, और वर्तमान में वो हीरे ब्रिटेन के महारानी के ताज की शोभा बढ़ाता है। तो दोस्तों ये था कोहिनूर के पूरे कहानी। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।